दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दो बड़े अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको पहला अपडेट सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप व्हाट्सएप और स्काइप जैसी वीडियो कॉलिंग ऐप का यूज कर सकते हैं या नहीं, क्या गवर्नमेंट इस पर बैन लगाने जा रही है, और मेरा दूसरा अपडेट उन लोगों को बहुत ज्यादा खुश करने वाला होगा जो फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इन दोनों अपडेट को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पहला अपडेट, दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल डियो और इमो जैसी वीडियो कॉलिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन वीडियो कॉलिंग एप्स पर सरकार रोक लगाने वाली है। दोस्तों इसके लिए दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोन के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत वीडियो कॉलिंग की अनुमति अब केवल टेलीकॉम कंपनियों को ही दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च करनी होगी, साथ ही केवल लाइसेंस धारक कंपनियों को ही वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। चलिए जान लेते हैं नए नियम में क्या अपडेट हुआ है। नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक ऐप से ऐप वीडियो कॉलिंग की सर्विस देने वाली कंपनियां जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल डियो और इमो को कॉलिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में वीडियो कॉलिंग ऐप की बजाय वाईफाई से की जाएगी। दोस्तों अगर यह सर्विस शुरू होती है तो जैसे यूजर्स कॉलिंग के लिए पे करते हैं यानी शुल्क अदा करते हैं, वैसे ही उन्हें वीडियो कॉलिंग के लिए टर्मिनेशन चार्ज देना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जिस कंपनी की नेटवर्क पर कॉल आता है उसे दूसरी कंपनी की ओर से टर्मिनेशन चार्ज मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट ने लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया है। इसमें सेलुलर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस दोनों के लिए एक ही नंबर अलॉट किया जाएगा, जिससे बिना सेलुलर नेटवर्क के वाईफाई सर्विस द्वारा वॉइस कॉल करने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों इस सर्विस से यूजर को नजदीकी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए कॉल कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों डॉट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उन्हें सब्सक्राइबर को सर्विस देने संबंधित डिटेल की जानकारी देनी आवश्यक है, जिससे वो ठीक से निर्णय ले पाए। इसके साथ ही डॉट से सभी टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस कॉल वाईफाई से कनेक्ट करते समय एक दूसरे का डाटा नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। साथ ही अगर थर्ड पार्टी लाइसेंस खरीदती है तो उन्हें भी इस सर्विस की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों वहीं डॉट ने टेलीकॉम कंपनियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कंपनियां इस सर्विस संबंधित सभी नियमों का पालन कर रही हैं। दोस्तों व्हाट्सएप और स्काइप से रिलेटेड इस नए नियम से आप कितने अफेक्टेड हैं? क्या सरकार ने पाबंदी लगाकर लोगों की भलाई की? बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है फेसबुक की तरफ से, और ये बड़ा ही खुशखबरी वाला अपडेट है अगर आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं तो। दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब अपने पसंदीदा ग्रुप पर जाने के लिए पैसा लेगा। दोस्तों फेसबुक के इस फीचर से कई ग्रुप को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों बात ऐसी है कि फेसबुक पर सक्रिय ग्रुप में शामिल होने या ग्रुप के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए महीने में 340 रुपए से लेकर 2050 रुपए तक देने होंगे। हालांकि शुरुआत में फेसबुक मेंबरशिप फीस सिर्फ खाना बनाने और घरों को साफ करने वाले ग्रुप के लिए ही होगा। दोस्तों यहां आपको साफ तौर पर बता दें कि यह शुल्क आपके लिए नहीं है बल्कि फेसबुक ग्रुप के लिए है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पर कोई ग्रुप है जो काफी पॉपुलर है और आप उस ग्रुप में कुछ पोस्ट करना चाहते हैं या फिर आप उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे। दोस्तों फेसबुक ने कहा है कि इस कदम से ब्लॉगर और फेसबुक पर ग्रुप चलाने वालों की अच्छी कमाई होगी। दोस्तों फेसबुक ने अपने ब्लॉग पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि कई सर्वे के बाद हमें पता चला है कि जो लोग फेसबुक पर बड़े ग्रुप चला रहे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों आपका कोई फेसबुक पर ग्रुप है या नहीं? अगर नहीं है तो जल्दी बना लो। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि फेसबुक से भी पैसा आप थोड़ा बहुत अर्न करें? बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले मिले। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।